कैप्टन अंशुमन सिंह ऑपरेशन मेघदूत के अंतर्गत सियाचिन ग्लेशियर में चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात थे। आपने 19 जुलाई 2023 को वहां स्थित चंदन ड्रॉपिंग जोन में हुई भीषण अग्नि दुर्घटना के दौरान नजदीक की फाइबर ग्लास हट में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने में मदद की। इसी दौरान मेडिकल इन्वेस्टिगेशन शेल्टर को आग की चपेट में आता देख वो अपने प्राणों की परवाह न करते हुए उसमें कूद पड़े ताकि जीवन रक्षक दवाइयों और उपकरणों को बचाया जा सके। पूरे शेल्टर को अपनी गिरफ्त में ले लिया और भरसक प्रयासों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। कैप्टन अंशुमन सिंह ने असाधारण बहादुरी एवं त्याग का परिचय देते हुए देशहित में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। सम्मान ग्रहण करेंगी उनकी धर्मपत्नी श्रीमती स्मृति एवं माता श्रीमती मंजू सिंह। अक्टूबर 2022 में उत्तरी कश्मीर के बारामुल्ला जिले में ऑपरेशन रक्षक नामक संयुक्त ऑपरेशन में राइफलमैन कुलभूषण मंता को तैनात किया गया था। प्राप्त जानकारी के आधार पर राइफलमैन कुलभूषण के नेतृत्व में तलाशी दल दो आतंकवादियों के निकट पहुंच गया। खतरे को भांपते हुए आतंकवादियों ने भागने की कोशिश की, परंतु राइफलमैन कुलभूषण ने एक आतंकी को पकड़ा। इसी बीच उनकी आतंकवादी के साथ भारी मुठभेड़ के दौरान दूसरे आतंकवादी ने उन पर गोलीबारी शुरू की, जिसमें राइफलमैन कुलभूषण जख्मी हो गए। गंभीर चोट के बावजूद उन्होंने बड़ी बहादुरी से जवाबी कार्रवाई की एवं एक आतंकवादी को जिंदा पकड़वाया। अपने अदम्य साहस से वे अंत सांस तक आतंकवादी की गोलाबारी का जवाब देते रहे और अंततः वीर गति को प्राप्त हो गए। सम्मान ग्रहण करेंगी स्वर्गीय राइफलमैन कुलभूषण मंता की धर्मपत्नी श्रीमती नीतू कुमारी एवं माताजी श्रीमती दुर्मा देवी। मेरा जहां लौट के वापस जा ना सका। सेंट्रल ग्लेशियर में 18,300 फीट की ऊंचाई पर अग्रिम चौकी पर तैनात हवलदार विवेक ने एक संतरी पोस्ट पर धुआं निकलता देखा। इस घटना के परिणाम स्वरूप अग्रिम चौकी पर बड़े पैमाने पर आग लग सकती थी, जिसमें सैनिकों को जान का खतरा और संपत्ति का भारी नुकसान हो सकता था। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए तुरंत वे तंबू के अंदर गए। अपनी जान की परवाह न करते हुए वे घने धुएं के बीच घुसे और एक बड़ी दुर्घटना को काबू में किया, परंतु इसी बीच धुएं के कारण उनकी श्वास नली में क्षति होने के कारण स्वास्थ्य बिगड़ा और खराब मौसम के कारण उन्हें वहां से नहीं निकाला जा सका। उन्होंने बड़ी निर्भीकता पूर्वक 36 घंटे तक इस कठिनाई का सामना करते हुए देश के लिए अपना सर्वोच्च समर्पण कर दिया। सम्मान ग्रहण करेंगी स्वर्गीय हवलदार विवेक सिंह तोमर की धर्म पत्नी श्रीमती रेखा। तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं और चांद हमेशा रह।